बल्दियाती इदारों की बहाली पर बरवक्त अमल दरामद क्यों ना किया, किसने हुक्म अदूली की, कौन जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत, चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर बरहम, रिमार्क्स दिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब बताएं अदालती हुक्म पर 7 माह के बाद क्या हुआ, आप ऐसे आए जैसे लंच या डिनर करने आए हों, अब तो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल नहीं लग सकते, आपको चीफ सेक्रेटरी किसने लगाया, आपको जेल भेज देंगे, सारी उम्र वहां रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस ऑफ पीस के हुक्म के बावजूद मुकदमा दर्ज क्यों ना किया, हाईकोर्ट ने नए सीसीपीओ मोहम्मद फयाज देव को कल तलब कर लिया। थाना लिटन रोड के अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने के केस पर जस्टिस अली बाके नदफी ने समाअत की, नसीरुल हक की दरख्वास्त पर सीसीपीओ की तलबी का अबूरी हुक्म जारी। लाहौर कातिल मच्छर की जद में मजीद 6 अफराद चल बसे, 380 नए मरीज रिपोर्ट। नून लीग की रुकन पंजाब असम्बली रबिया नुसरत भी डेंगू में मुब्तला हो गई। गैर मुसद्दका सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक शहर के 786 मुकामात से डेंगू लार्वा तलब किया गया। उधर शहर के 8853 मुकामात पर डेंगू लार्वा की अफजाइश का इंकशाफ, अल्लामा इकबाल टाउन में 794 मुकामात पर डेंगू लार्वा हॉटस्पॉट की निशानदही, डिफेंस 810 मुकामात, समनाबाद में 1281, शालाबाद टाउन की 3 UCs में 732 डेंगू हॉटस्पॉट मुकामात की निशानदही। डेंगू बुखार 2 पुलिस अहलकारों की जान ले गया, साबिक SSP उमर बेग के करीबी साथी हेड कांस्टेबल इफ्तिखार हुसैन इंतकाल कर गए। इफ्तिखार हुसैन को डेंगू बुखार की हालत में अस्पताल लाया गया, हार्ट अटैक भी हुआ। डेंगू के बाद CCPO ऑफिस में तायुनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद अरशद भी जाँ बहक। हालिया डेंगू की लहर में 205 अहलकार और अफसरान मुतासर हुए, 41 अहलकार मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। लाहौर खतरनाक फिजाई आलूदगी की लपेट में, आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 348% रिकॉर्ड, कमिश्नर लाहौर की हदायत पर जिले इंतजामिया की कार्रवाइयां, फिजाई आलूदगी का बायस बनने पर एक सनती यूनिट सील कर दिया। दुराने चेकिंग 10 गाड़ियां बंद, 51 के चालान, 54,000 रुपए से जायद जुर्माना आयद किया गया। सूबा भर में फसलों की बाकियात जलाने पर 786 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 34 लाख रुपए जुर्माने किए गए। एडिशनल सेक्रेटरी जरात राणा अली अरशद की जेर सदारत इजलास में बाकियात जलाने के वाकियात का जायजा। पुलिस की नाकिस तफ्तीश, मुलजमान बरी होने लगे, महबूबा को कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत पाने वाला कैदी 4 साल के बाद बरी। आसिफ के खिलाफ 2017 में शादी से इनकार पर महबूबा को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज हुआ। सौतेली मां के कत्ल में सजाए मौत पाने वाला कैदी फरमान अली भी 5 साल के बाद बरी। हाईकोर्ट ने मुलजमान को गवाहों के बयान में तजाद, वकुआ पर मौजूदगी साबित न होने पर बरी किया। IG पंजाब ने 14 अफसरान के तकर्र तबादले कर दिए, उस्मान एजाज बाजवा SSP एडमिनिस्ट्रेटर स्पेशल ब्रांच पंजाब तायुनात, शुजात अली राणा SSP VVIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच, आतिफ नजीर AIG लॉजिस्टिक पंजाब तायुनात, आफ्ताब अहमद को SPA VLS तायुनात कर दिया गया। ₹18 लाख लाहौरियों को यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड देने की तैयारियां, पंजाब हुकूमत ने नादरा के साथ काम शुरू कर दिया। कबल अजीम सेहत सहूलत कार्ड के तहत 5 लाख से ज्यादा अफराद रजिस्टर्ड हो चुके, लाहौर में कुल 24 लाख अफराद को यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की सहूलियात। न्यू अस्पताल के डॉक्टर को अगवा कर दिया गया, डॉक्टर साकिब महमूद अस्पताल गए लेकिन वापस ना आए, मुलजमान के खिलाफ अगवा का मुकदमा 5 रोज के बाद दर्ज। सर्विसेज अस्पताल का ऑनलाइन सिस्टम खराब, मैनुअल पर्ची के लिए मरीजों की लंबी लाइन, डेंगू समेत दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को मुश्किल का सामना।
लाहौर समेत पंजाब के 8 टीचिंग अस्पतालों में एमएस ताजुनात। डॉक्टर ताहिर रशीद को एमएस जीना अस्पताल ताजुनात कर दिया गया। डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती को एमएस जनरल अस्पताल, डॉक्टर मोहम्मद तहसीन को एमएस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और डॉक्टर मोहम्मद खालिद बिन असलम को एमएस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज ताजुनात कर दिया गया। मेयर लाहौर की बल्दियाती नुमाइंदों के लिए सर तोड़ कोशिशें, कानूनी पेचीदगियों के बावजूद 8% फंड जारी करवा दिए। शहर के 9 जोन्स में 2 करोड़ की स्ट्रीट लाइट्स की खरीदारी के लिए मेयर लाहौर का पहला हुक्मनामा जारी। चीफ कारपोरेशन ऑफिसर ने टेंडर तशरीफ के लिए भिजवाने की इजाजत दी। 25% डेस्पेरिटी अलाउंस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। एपका का पंजाब स्कूल सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाजी धरना। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मुलाजमीन की मुतालबात के हक में नारेबाजी। खातीन मुलाजमीन की भी शिरकत। सिविल सेक्रेटरीट चौक को ब्लॉक कर दिया।